गाइस, मैं हूं अमित। भाई जब हमारी गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाती है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और हम क्या करते हैं भाई, हम परेशान हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तेरी उड़ी बाबा के बच्चे क्यों इस मुर्दे में उंगली कर रहा है? फिर हम क्या करते हैं, किसी दूसरी गाड़ी की बैटरी लेके आते हैं, उसको उसमें लगाते हैं, या तो बैटरी को फिट करते हैं, उसके तार जो है उनको जोड़ते हैं, तब जा करके जो गाड़ी है वो स्टार्ट होती है। बहुत ज्यादा मेहनत करा लेती है। या फिर हम क्या करते हैं, गाड़ी की बैटरी निकालते हैं, उसको मार्केट में ले जाके चार्ज करवाते हैं, या फिर हम जैसे जुगाड़ी इंसान अपने इन्वर्टर में लगा देते हैं उसको, और इन्वर्टर जो है उस बैटरी को चार्ज कर देता है क्योंकि वो 12 वोल्ट की होती है। लेकिन भाई ये बहुत ज्यादा माथापूरी है, अगर दूसरी बैटरी ले जा रहे हैं तो भाई बहुत हैवी वेट हो जाता है, दूसरी गाड़ी चाहिए, इतना दिमाग खराब हो जाता है। आज हम उसी चीज का एक सॉल्यूशन आपको दिखाने के लिए लेकर आए हैं गाइस, जो कि है यहां पर। ये है गाइस एक कार जंप स्टार्टर। गाइस जंप स्टार्ट, अगर हम किसी दूसरी गाड़ी से गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो उसको भी जंप स्टार्ट ही बोलते हैं। लेकिन सोचो ये जो इतना सा डब्बा है, इसके अंदर इससे भी छोटी चीज़ होगी, इसमें ज़्यादा वेट भी नहीं है, और ये एक गाड़ी को स्टार्ट कर सकता है। ना सिर्फ गाड़ी को बल्कि बड़ी मशीन्स को, जैसे कि ट्रक्स को, जेसीबीज को, ये सब इनका कहना है गाइज, ये मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी अभी तक इस प्रोडक्ट की टेस्टिंग नहीं करी है। तो गाइज आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस जंप स्टार्टर की। फटाफट जी शुरू करते हैं। और गाइज एक बात मैं पहले ही बता देता हूँ, ये वीडियो किसी भी तरीके से कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मुझे किसी से भी या इस ब्रांड से भी कोई पैसा नहीं मिला इस प्रोडक्ट को रिव्यू करने का या टेस्ट करने का या इसकी तारीफें करने का, ठीक है? जो होगा आपको वही बताऊंगा, क्योंकि भाई हम वो वाली चीज़ करते ही नहीं है। जो कुछ रिव्यू रहेगा मेरा खुद का रिव्यू रहेगा। बॉक्स की बात करेगा, इसके ऊपर एक पन्नी आती है, पहले इसको हटाते हैं क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन मारती है, और फिर बॉक्स को देखते हैं गाइस। ये है बॉक्स, यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ गाइस FNNEMGE। अब इसको फनेमजे बोलेंगे, क्या बोलेंगे पता नहीं गाइस, इसका प्रोनंसिएशन क्या होगा नीचे कमेंट में लिख के बताओ। लेकिन बताओगे कैसे यार वो तो वैसे ही लिखा हुआ हो जाएगा। फिर से एक गाड़ी बनी हुई है, बहुत सारे फीचर लिखे हुए हैं गाइस। यहाँ पर लिखा है पोर्टेबल चार्जर फॉर मल्टीपल डिवाइसेस, यहाँ पर लिखा है ड्यूअल यूएसबी, लिखा हुआ टाइप सी क्विक चार्जिंग, एलईडी फ्लैशलाइट, -20 डिग्रीज टू +70 डिग्रीज टेम्परेचर में ऑपरेट करेगा, ऐसा कुछ जो है डिवाइस के अंदर होने वाला है। तो खास बात यह है इस डिवाइस की, इसका जो वजन है वो बहुत ही कम है, लगभग 500-700 ग्राम का डिवाइस होने वाला है, क्योंकि इसके पूरे का वजन ही 1 किलो या 1.25 किलो के आसपास में होगा। गाइस बिना देरी किए बॉक्स को खोलने पे आते हैं। ये जो है यहाँ से खुलने वाला है कुछ ऐसे, और फिर ये जो है गाइस कहाँ से खुलेगा है? ये लो गाइस, अरे वाह, इसके अंदर एक बढ़िया सा केस है। बॉक्स जो है वो भी एक प्रीमियम फील दे रहा है। और गाइस इसकी जो कीमत है उसकी भी बात कर लेते हैं प्रोडक्ट को खोलने से पहले। ये जो है मुझे पड़ा है 14,999 रुपये, यानी कि 15,000 रुपये। अगर आपको खरीदना है, अमेजोन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो भाई खरीद लेना। ये एक बढ़िया सा बॉक्स आता है, क्या बात है, बॉक्स बढ़िया भाई। और इसके ऊपर जो ब्रांड का नेम लिखा हुआ है, रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, दो चेन से दोनों को खोलते हैं। और गाइस ये है प्रोडक्ट जो कि आता है पन्नी में। इसकी पैकेजिंग ऐसी है जैसे कोई हैवी ड्यूटी सी चीज़ हो या कोई बढ़िया सा फ़ोन वगैरह हो। और गाइस ये है वो चीज़, इतना सा है, ये गाड़ी को स्टार्ट कर सकता है, ट्रक्स को, जैसे भी इसको स्टार्ट कर सकता है, क्या विश्वास तो हो नहीं रहा इसको देख के। चलो देखते हैं पहले और बॉक्स में क्या है। इसका सेफ्टी है, दूसरा सेक्शन है बॉक्स के अंदर, जिसके अंदर भाई एक है ये तो हर बार आती है, क्विक स्टार्ट गाइड या यूज़र मैनुअल कह सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर ये केबल आती है, अभी इसको देखते हैं। इसके अलावा एक USB टाइप सी केबल आती है और कुछ नहीं है। ये जो है इसका स्टोरेज बॉक्स है, ये तो चार्ज करने के लिए भी हटाते हैं इसको। इसके अलावा मैनुअल को भी हटाते हैं, बाद में देखेंगे ये क्या है। इसमें भी दो चीज़ें हैं, ओहो समझ गया, ये जो है इसको गाड़ी से चलाने के लिए, गाड़ी की बैटरी से इसको चार्ज करने के लिए 12 वोल्ट का है। और यहाँ पर गाइस ये दो प्लस माइनस लिखा हुआ है इस पर, शायद ये इसमें कहीं लगेगा। चलो इसको लगा करके देखते हैं। गाइस यार मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है, ये इतना सा है और इसमें वेट भी बहुत कम है, जितना ये दिखता है उतना भी वेट नहीं है इसमें। क्वालिटी हालांकि काफ़ी बढ़िया लग रही है, लेकिन ये गाड़ी को जंप स्टार्ट कर पाएगा? गाइस मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन ये जो है लगभग 25,000 mAh की बैटरी के साथ आता है। 25,000 है या 26,000 है, इसी रेंज में है, मुझे कंफर्म नहीं है। एक कंपास भी आता है यहाँ पर, दिशा सूचक यंत्र, जिससे कि डायरेक्शन जो है गाइस वो देख सके। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, इसका मतलब ये सही दिखा रहा है। तो गाइस 77% इसमें बैटरी भी आ रही है, स्क्रीन है जिसमें आ रही है। यहाँ पर क्या है भाई, ओहो ये है दो USB चार्जर, यानी कि एक पावर बैंक का काम भी कर सकता है, ये बढ़िया है यार। इसको गाड़ी में रखो, गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाए तो उसको स्टार्ट कर लो, अगर फोन की बैटरी डाउन हो जाए तो उसको भी चार्ज कर देगा। इसके अलावा इसमें एक टाइप सी का जो है वो भी
सॉकेट है शायद ये चार्जिंग के लिए, और यहाँ पर एक टॉर्च भी है। ये जो पावर बटन है इसको दबाए रखना पड़ेगा और यहाँ पर ये जो है जल जाती है। तो गाइस अब बिना देरी किए आते हैं इसकी टेस्टिंग पे सीधा कि ये जो है काम करेगा या नहीं। चलो चलते हैं अपनी गाड़ी के पास में। तो भाई अब इस जुगाड़ को टेस्ट करते हैं अपनी इस सेंट्रो गाड़ी के ऊपर। जो गाड़ी है उसका बोनट खोलते हैं और यहाँ पर गाइस अगर आप देखोगे तो एक बैटरी लगी होती है। ये है गाड़ी की बैटरी। मैं क्या करूँगा सिंपली, या तो इसका एक टर्मिनल ही हटा देता हूँ। अब जो है ये गाड़ी किसी भी तरीके से स्टार्ट नहीं हो सकती क्योंकि गाड़ी की जो टर्मिनल है वो हटा हुआ। मुझे एक बार सेल्फ मारना, कुछ नहीं होगा क्योंकि गाइस आएगा ही नहीं सेल्फ क्योंकि मैंने तार ही हटा दिया। हम तो यहाँ पर बैटरी का यूज़ ही नहीं करेंगे गाइस। मैं इसमें सीधा ये दो टर्मिनल जो है लगा देता हूँ। ये है माइनस, ये है प्लस, तो माइनस में लगा देता हूँ ब्लैक वायर। देखो गाइस जो टर्मिनल है वो हटा हुआ है। ये जो बैटरी का टर्मिनल है ये गाड़ी से कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब ये बैटरी गाड़ी में कोई पावर नहीं देगी, सिर्फ हमारा ये जो डिवाइस है ये देगा। ठीक है भाई ये कनेक्ट हो चुका है। मोहित सेल्फ मारियो। लाइट आ गई, लाइट तो आई थी गाड़ी में कुछ। हाँ मोटर चल गई, मारना सेल्फ। क्या बात है, अभी भी देखो टर्मिनल अभी भी हटा हुआ है। ये देखो अभी भी हटा हुआ है, लगा देता हूँ उसको वापस से। भाई साहब बंद कर दे। गाइस ये इतना सा जुगाड़ है, ये छोटा सा जुगाड़ ये गाड़ी को स्टार्ट कर पा रहा है। क्या बात है यार, ये तो मतलब बढ़िया हैंडी जुगाड़ हो गया। अब जो है इस पे लिखा है कि ये 10 लीटर तक के डीजल इंजन को स्टार्ट कर सकता है। तो गाइस अब इसको ट्राई करेंगे ट्रक में क्योंकि हमारे ट्रक की जो बैटरी है वो असली में ही डाउन हो रखी है। चलो गाइस ट्रक से पहले ट्रैक्टर में भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। एक बार घुमाइयो, अभी जो इसकी बैटरी है वो डाउन है। घुमा घुमा घुमा, देखो कुछ भी नहीं कर रहा। नहीं टक टक की आवाज आ रही लेकिन हो नहीं रहा। एक बार बंद कर वापस से दोबारा। नहीं भाई नहीं, चलो इसको कनेक्ट करते हैं भाई। नहीं हो रहा स्टार्ट। ये लगाया मैंने प्लस में रेड कलर वाला वायर, थोड़ा सा बड़ा ही है इसका टर्मिनल, ये लग गया। इसको लगाते हैं गाइस माइनस में। चलो मोहित मारिए सेल। इसने ट्रैक्टर को स्टार्ट कर दिया जिसकी बैटरी डाउन थी। क्या बात है, लाइक बनता है इसके लिए। तो भाई कनेक्ट कर रहा हूँ। इतनी सी चीज है, इसकी बैटरी इतनी बड़ी आती है, बहुत हैवी आती है, एक बंदे से तो उठती भी नहीं है। मोहित मत दबाना, ठीक है मैं निकल रहा हूँ। क्लच दबा के रखियो। हाँ। दबा बटन तेरी। अरे क्लच दबा, गियर में है क्लच दबा। हाँ दबा रखिए। कर स्टार्ट, कर स्टार्ट। तो गाइस इस इतने बड़े ट्रक को तो ये स्टार्ट नहीं कर पाया है लेकिन इसने ट्रक का जो इंजन है उसको हिला जरूर से दिया। ट्रैक्टर को गाड़ी को तो बहुत आराम से स्टार्ट किया। एक प्रॉब्लम ये भी है कि ट्रक के अंदर बैटरी नहीं है। अगर इसमें कोई बैटरी लगी होती तो थोड़ा सा पावर बैटरी खुद भी बनाती है और अगर ये स्टार्ट नहीं करता तो ये जो इसमें हेल्प कर देता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसकी भी गलती नहीं कह सकते गाइस। प्रोडक्ट जो है वो बहुत बढ़िया से काम करता है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा इस प्रोडक्ट को देख के। भाई ये जो है गाड़ियों ट्रैक्टर वगैरह को बहुत आराम से स्टार्ट कर देता है। इतनी सी चीज़ है, विश्वास नहीं होता देख के, लेकिन मैंने सोचा कि यूनिक सी चीज़ है तो आपको दिखा देनी चाहिए। हमारे भी ये जो है काफ़ी काम आने वाला है। फिर से बता देता हूँ वीडियो को स्पॉन्सर्ड नहीं है। अगर आपको मजा आया तो लाइक का बटन गाइस जरूर से दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मजेदार अनबॉक्सिंग के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।